ग्वालियर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों का एक साथी पूर्व में गिरफ्तार भी हो चुका है, वहीं अन्य साथियों की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी चुकी है। बता दें, ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटो पार्क झलाका निवासी सौरभ सिंह तोमर के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग के दहशत से फैल गई थी आग। वही इन बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जा चुका है। साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए महाराजपुर पुरानी छावनी गोला का मंदिर और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश के लिए लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोग रिकॉर्ड से उसकी भी जांच करवा रहे हैं। इनका कुछ भिंड में भी कुछ जनरल रिकॉर्ड से अन्य थानों में भी है। इनमें जो मुख्य आरोपी दिनेश में महाराजपुरा थाने ने अरेस्ट करके भेजा था, वो अभी 2 दिन पहले जमानत पे आया है। इसकी जमानत के कैंसिलेशन की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी प्रिवेंटिव सेक्शन है उसमें भी सख्त कार्रवाई करेंगे। चौकी कार्रवाई कर रही है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इनके अंगेश सख्त प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाएंगे।